हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉन्च पैट आई एस स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव सो वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम सो एग्ज़ाम के लिए अगर ऐसे इनिशिएटिव छोड़ के चले जाएंगे सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टैकल द करंट अफेयर क्वेश्चन सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में कब ये लॉन्च हुआ था क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे एक स्मार्ट सिटीज़ उसकी डेफिनेशन है क्या वट सिटी कैन बी कॉल्ड स्मार्ट सिटी और क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च करने की अपने सबसे बड़े शहरों के लिए सो so शुरुआत करते हैं डिस्कशन की सो दीज आर फीचर्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ स्मार्ट सिटी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इस की स्मार्ट सिटीज की सरकार ने कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है तो फॉर डिफरेंट सिटीज द स्मार्टनेस कैन बी डिफरेंट फॉर इंस्टेंस अगर कोई टूरिज्म सिटी है इट कैन बी शिमला उसकी स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन अलग रहेगी अगर कोई इंडस्ट्रियल टाउन है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट सो इट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी और इसमें सबसे खूबसूरत बात स्मार्ट सिटीज़ मिशन में यही थी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्लान बना के स्टेट्स को नहीं देती यहाँ पर सिटीज़ अपने प्लान बना के उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं एंड इफ द सिटीज़ दे फिगर इन द स्मार्ट सिटीज़ लिस्ट तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है टू क्रिएट दे आर ओन डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस सो इसमें कुछ फीचर्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट शहरों के अंदर दी स्कैन भी स्मार्ट मीटर नेटवर्क इकोलॉजी मोनिटरिंग सोल्यूशंस एफिशेंट पब्लिक सर्विस ट्रैकिंग स्मार्ट सिटी लाइटिंग स्मार्ट पब्लिक सेफ्टी सिस्टम स्मार्ट वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट स्मार्ट एड हॉक ट्रैफिक बैलेंसिंग सो ये बहुत कम फीचर्स हैं बेसिक अगर हर सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट एफिशेंसी लाने की कोशिश की जाए और इसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाए दैट विल क्रिएट अ स्मार्ट सिटी एज पर द नीड्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़ अपने अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पर डिफरेंट चीज़ों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जाती है और इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेसिक डिमांड है दैट इज़ टू इनहस द ईज ऑफ लिविंग अपने नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन द स्मार्ट सिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा वो भी मल्टीपल स्टेजेस पर प्लेटफॉर्म्स में इस बात को रेज करते हैं दैट इज ऑफ लिविंग उसको इंप्रूव करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वही स्मार्ट सिटी मिशन का भी ऑब्जेक्टिव है सो एज वी डिस्कस्ड गवर्नमेंट ने तो इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक जेनरिक डेफिनेशन क्या हो सकती है स्मार्ट सिटी की इट इज सपोज टू बी एन अर्बन रीजन दैट इज हाईली एडवांस्ड इन एवरी एस्पेक्ट फॉर इंस्टेंस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल रियल एस्टेट, कम्युनिकेशंस, मार्केट वायबिलिटी, सो चाहे वहाँ पर बिजनेस करना हो चाहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो ग्रीन स्पेसेस हो कम्युनिकेशन हो पब्लिक सर्विसेज हो सब कुछ स्मार्ट होना चाहिए दैट इज़ स्मार्ट सिटी तो इसके तीन बड़े फीचर्स हैं स्मार्ट सिटी के इसमें इन्हांस किया जाएगा अंडर दिस मिशन कॉम्पिटेटिवनेस यानी डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एज इंजनस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं हाउ गुड दे आर इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स एंड पीपल कितने लोग चाहते हैं ऐसे शहरों में आके काम करना अपने बिजनेसेस सेटअप करना दैट इज द कंपिटेटिवनेस सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी नॉट ओनली इन्वायरमेंटल बट फाइनेंशियल एज वेल सोशल एज वेल अगर हम बड़े शहर देखें तो हमें समझ में आएगा कि सोशल सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्या चीज है लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली इफ यू विजिटेड दिल्ली दिल्ली जाते ही आपको एनवायरमेंट तो बहुत खराब मिलेगा ही वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं स्पेसिफिकली द स्लम्स विच आर नॉट सस्टेनेबल इवन सोशली वहां पर रहना इज क्लोज टू इम्पोसिबल देर इज अ लॉर्ड ऑफ क्राइम इन दीज रीजन वहां पर बच्चे जो हैं नजर आता है कि उनकी अच्छी परवरिश नहीं हो पा रही एजुकेशन फैसिलिटीज आर नॉट देयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट देयर सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी बड़े शहरों से धीरे धीरे ग्रीन स्पेसिस का प्ले ग्राउंड्स का ख़त्म हो जाना दैट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल एंड एन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देन क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की चाहे सेफ्टी और सिक्योरिटी हो सिटीजन्स की चाहे सब लोग अपना विकास उस शहर के विकास में होता हुआ देख पा रहे हैं दैट मीन्स इंक्लूसिवनेस एंटरटेनमेंट ईज ऑफ सीकिंग एंड ऑप्टेनिंग पब्लिक सर्विसज यानी सरकारी सुविधाएं कितनी आसानी से मिल पा रही हैं कॉस्ट एफिशिएंट हेल्थ केयर है या नहीं है क्वालिटी एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट सिटी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑल दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स अगेन हम एक स्मार्ट सिटी को डिफाइन नहीं कर सकते इट इज इन एवर ग्रोइंग डेफिनेशन जैसे जैसे हम इन चीजों को अचीव कर लेंगे कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाएगी जिसको हम अचीव करने के लिए और कदम उठाना स्टार्ट कर देंगे सो बेसिकली दिस इज एन इनिशिएटिव बाई इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव पीपल्स लिविंग क्वालिटी इन सिटीज बाई यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वो इस मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है इस मिशन का लॉन्च हुआ था 2015 में इसकी कोशिश थी कि जैसे अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और जो नए शहर बन रहे हैं वो बहुत प्लान तरीके से नहीं बन रहे इंडिया में चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी शहर हैं दे आर वेरी नॉन प्लान तो वाटर लॉगिंग से लेकर ट्रैफिक की समस्या लैक ऑफ पावर वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छे से नहीं हो पाना ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आगे बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज होने वाली है अगर हम बाकी कंट्रीज की बाकी इकोनॉमीज की जर्नी देखें तो उसमें ये लगता है कि कंपेरेटिवली इंडिया बहुत कम अर्बनाइज है इंडिया में अभी करीब करीब थर्टी टू थर्टी के करीब पॉपुलेशन एज अर्बन very soon it is going to cross 50 परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी इट इज गोइंग टू बी ईजीली मोर देन फिफ्टी परसेंट इतनी तेजी से जब अर्बनाइजेशन होगी इतने लोग अपने गाँव को छोड़ के शहरों के अंदर आएंगे तो शहरों की मैनेजमेंट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गोल तो जो ये तेजी से अर्बनाइज होती पॉपुलेशन की कंप्लेक्सिटीज हैं उनको एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कराना दैट इज विजन ऑफ स्मार्ट सिटीज और साथ ही में जितने रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमाइज यानी जितनी बढ़िया हो सकती है यूटिलाइजेशन हो पाए सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमाइजिंग सर्विस टू द सिटीजन बाय इंटीग्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दीज आर सम ऑफ विजन पॉइंट्स और स्मार्ट सिटीज मिशन का ऑब्जेक्टिव ये भी है अपार्ट फ्रॉम अचीविंग अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एक ऐसा मॉडल तैयार हो कि हम जब अर्बनाइज हो रहे हैं तो हमारी सिटीज किस तरीके से अच्छे से मैनेज की जा रही हैं और इस मॉडल को हम रेप्लीकेट कर पाए बोथ विद इन दैट सिटी एंड इवन आउटसाइड ऑफ द स्मार्ट सिटी इसके अलावा देर इज बाय द नेम ऑफ अमृत उसके ऊपर भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी अटल मिशन फॉर एज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तो स्मार्ट सिटीज के अलावा और भी बहुत सारे शहर हैं जो अभी छोटे शहर हैं लेकिन दे आर ऑल्सो सपोज टू बी टेकन केयर ऑफ तो अमृत मिशन उनके लिए ये सब सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है इसके अलावा और जो शहर आएंगे उनके ऊपर भी हम इन मॉडल्स को रेप्लीकेट कर पाएंगे जैसे हमने बात की कि बहुत तेजी से वी आर गोइंग टू रीच द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो हम बाकी देशों में भी देखते हैं तो अगर क्विकली कुछ हाईलाइट्स देखें कि एक स्मार्ट uh, सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कुछ वहाँ पर होना चाहिए एडिकुएट वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सैनिटेशन इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एफिशियंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर रॉबर्स आई टी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सस्टेनेबल इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन पर्टिकुलरली वुमन चिल्ड्रेन एंड द एल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन शुड ऑल्सो बी गुड इन स्मार्ट सिटी इसके बाद बात करते हैं कि पैसा कहां से आएगा फॉर फाइनेंसिंग द स्मार्ट सिटी मिशन तो हर एक शहर जो स्मार्ट सिटीज़ के रूप में टैग किया जाएगा जिसे सिलेक्ट किया जाएगा दे आर गोइंग टू गेट ऑन एन एवरेज हंड्रेड करोड़ रुपीज ओवर द फाइव ईयर सो दैट मीन्स पाँच साल में जब ये मिशन लॉन्च हुआ था तब से लेकर पाँच सौ करोड़ रुपए हर शहर को मिलने थे इसमें 50 परसेंट स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना था और 50 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज सपोज टू गिव अंडर दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसके अलावा स्मार्ट सिटी में कुछ एडिशनल सोर्सेज ऑफ फंड को रेज करने के लिए कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की गई थी हालांकि अब काफ़ी साल हो चुके हैं इस इनिशिएटिव को लॉन्च हुए एंड वी नो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ये नए मॉडल्स काम नहीं कर पाए हैं बट ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो स्टेट है और जो अर्बन लोकल बॉडी है वो अपने रिसोर्सेज खुद रेज करेगी इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो स्टेट्स हैं उनको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एडिशनली इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा उसके बाद कुछ इनोवेटिव फाइनेंसिंग जो एज आई मैकेजम यू काम नहीं कर पाए जैसे म्यूंसिपल बॉन्ड्स के जरिए जैसे कंपनीज और कई बार आरबीआई भी पैसा मार्केट से रेज करती है वैसा मुंसिपल कॉरपोरेशन यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो भी करें लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इसके अलावा बायलेटरल और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से कुछ पैसा रेज Uh, कर पाए हमारी अर्बन लोकल बॉडीज वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाया देन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था तो इससे भी पैसा रेज करने की कोशिश शहर कर रहे हैं लेकिन बहुत कम शहर ही इन सब आउट ऑफ द बॉक्स फाइनेंसिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल कर पाए सो दिस वॉज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन हमारे बैचेस के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहें तो दीज आर द नंबर्स ऑफ आर स्टूडेंट काउंसिलस Uh, आप किस भी स्टेज में हैं यू आर इन स्कूल और ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज की तैयारी किस तरीके से की जाती है यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड प्रिपेयर फॉर द अटेम्प्ट जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू 2025, एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर सर्टन डिस्काउंट विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ उनके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स के साथ सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो ऐसे और इनिशिएटिव के लिए और वीडियोज के लिए डोंट फर्गेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन